हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्मॉल टेक पीस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आपके पास एक हार्ड डिस्क है, यानी कि एक पीसी होते हैं, बेसिकली आप अभी क्या है कि हर एक के घर में पीसी या फिर लैपटॉप, पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप, जो जिसे हम कंप्यूटर कहते हैं। जी दोस्तों, तो कंप्यूटर अभी सबके घर में है। तो दोस्तों क्या है ना, उस कंप्यूटर में एक हार्ड डिस्क रहता है। तो जो हार्ड डिस्क होता है वो बहुत मतलब कि कुछ चीज़ें करने से ख़राब हो जाता है, और मैं आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या आपको करना नहीं चाहिए जिस वजह से आपका जो है हार्ड डिस्क जो है वो करप्टेड हो जाए या फिर ख़राब हो जाए। जी दोस्तों, इसीलिए मैंने थंबनेल पे ही लिखा कि हार्ड डिस्क ख़राब हो गया। तो बहुत सारे लोग जिनको पता नहीं है, नॉर्मल यूज़र होते हैं तो उनको पता नहीं होता है, तो वो गलती से ये कर देते हैं, तो इसी वजह से उसका जो है हार्ड डिस्क परमानेंटली लॉस्ट हो सकता है। हे गाइस, आप देख रहे हो स्मॉल टेक पीस यूट्यूब चैनल, मैं हूं पीयूष, लेट्स बिगिन। सो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो मेरे हाथ पे एक हार्ड डिस्क है, तो ये डेस्कटॉप का हार्ड डिस्क है, ठीक है, यानी कि डेस्कटॉप का हार्ड डिस्क है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो तोशिबा का 1TB हार्ड डिस्क है, ठीक है, आप यहाँ पे आप देख सकते हो। सो ये जो हार्ड डिस्क है मेरे हाथ पे अभी ये ख़राब हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लॉजिक बोर्ड वगैरह सब कुछ है, तो ये जो हार्ड डिस्क है ये ख़राब हो गया है। कैसे? तो ये जो हार्ड डिस्क है ये मेरा नहीं है, मेरा एक दोस्त का है, ठीक है। मैंने उससे लिया था ठीक करने के लिए, लेकिन मैंने उससे पूछा था कि कुछ भी हो जाए हार्ड डिस्क को खोलना मत, ठीक है। यानी कि आप अगर गौर से देखोगे तो यहाँ पे आपको स्क्रू नज़र आएगा, ठीक है। तो उसने क्या किया, हार्ड डिस्क को खोल डाला, ठीक है। स्क्रू यहाँ से भी खोला जा सकता है और यहाँ से भी, उसने शायद इस पार्ट को खोला है। यहाँ पे आपको लॉजिक बोर्ड नज़र आएगा, ठीक है, जो कि हार्ड डिस्क के लॉजिक बोर्ड है, और यहाँ पे यहाँ से हमारा जो है पावर लेता है और डेटा यहाँ से ट्रांसफ़र होता है। तो ये लॉजिक बोर्ड है, तो उसने ये खोला था, जिस वजह से ये हार्ड डिस्क जो है, क्या होता है, हार्ड डिस्क वैसे ख़राब नहीं होता है, ठीक है। आपका जो है कंप्यूटर अगर अचानक से बंद कर दिए हो, स्विच दबा के, शट डाउन ना करके, या फिर आप UPS यूज़ नहीं करते हो, आपके वहाँ पे बिजली चली जाती है बार बार, आपके जो कंप्यूटर है अचानक से बंद हो जाता है, तब हार्ड डिस्क का प्रॉब्लम आ सकता है। या फिर अगर आप शट डाउन नहीं करते हो, डायरेक्टली फोर्सफुली आप पावर बटन को दबा के बंद कर देते हो, या फिर जो आपके स्विच है आप डायरेक्टली बंद कर देते हो, आपके कंप्यूटर अचानक से धप करके बंद हो जाता है, तब भी आपकी हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम आ सकता है। तो ऐसे में दोस्तों, ये जो हार्ड डिस्क है मैंने इसे चेक कराया, मेरा पीसी में लगाया था, लेकिन इसमें से नॉइज़ आ रहा है, ठीक है, और नॉइज़ जो आ रहा है कुछ स्ट्रेंज है, ठीक है, तरह तरह के नॉइज़ आ रहा है, ठीक है। तो मैंने उससे पूछा कि तूने क्या किया था इसके साथ, तो उन्होंने बोला कि मैंने खोला था हार्ड डिस्क को। तो दोस्तों, आपको पता है कि जिस वाले पार्ट में, यानी कि जहाँ पर ये हार्ड डिस्क बन रहे होते हैं, वहाँ पर सारे सब कुछ कम्पैक्ट है, यानी कि चारों तरफ से वो कोई भी उसके अंदर जा नहीं सकता, नहीं सकता सिर्फ एम्प्लॉय के सिवा। और वहाँ पे आप देखोगे कि वो ड्रेस पहना हुआ होता है, उसका सर पे जो है वो बाल अगर ना गिरे उसके लिए प्रोटेक्शन रहता है, हाथ में ग्लव्स रहता है, और उस रूम का, उस हॉल का एक अलग सा टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर में ये खोला जाता है, ठीक है। इस हार्ड डिस्क को अगर आप बाहर पे खोलते हो, ऐसा नहीं कि खोल लिया तो ख़राब हो ही जाएगा गारंटी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस बनता है ख़राब होने की अगर आप बाहर कहीं पे भी खोलते हो हार्ड डिस्क को। आपको पता है जिस घर में कंप्यूटर रहता है उस घर में 21 से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस के तरह वहाँ पर एयर के टेम्परेचर रखना चाहिए हमेशा। तो भाई लोग, पॉसिबल तो नहीं होता है, लेकिन ये सच है, ठीक है। जिस घर में कंप्यूटर रहता है उस घर का टेम्परेचर 20 से 21 डिग्री तक रखना चाहिए, हमेशा सूट पहन के घूमना चाहिए उस रूम में। लेकिन अब हमें इतना ज़्यादा ज़रूरत पड़ गया है इस मशीन का कि हम कंपनी घर पे, रूम पे, बिस्तर पे यूज़ कर रहे हैं, हर जगह पे, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास एक लैपटॉप का हार्ड डिस्क भी है, ठीक है, मेरे पास दो हार्ड डिस्क है, ये भी ख़राब हुआ है, मतलब ख़राब हो पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सिगरेट का 500 GB का ये हार्ड डिस्क है, ठीक है, और ये लैपटॉप हार्ड डिस्क है, ये डेस्कटॉप हार्ड डिस्क है। तो ये दोनों मैंने मेरे हाथ पे क्यों लिया, जैसे समझा पाऊँ कि अगर आप ये सारे सब कुछ करते हो तो आपका हार्ड डिस्क जो है लॉस्ट हो सकता है। सबसे बड़ी बात, आपकी डेटा जा सकती है। जी दोस्तों, इस पे बहुत सारा डेटा रहता है, आपका पर्सनल चीज़ें रहते हैं, तो वो सारे जा सकता है।
ठीक है। इसके साथ साथ जैसे होता है ना आपके अगर फ़ोन चोरी हो जाता है तो फ़ोन पे आपका बहुत ज़्यादा पर्सनल डिटेल्स या फिर आपके बहुत सारे चीज़ हो सकता है उस फ़ोन का, अगर चोरी हो जाए तो आपको कुछ भी वापस नहीं मिलने वाला है ना। तो वैसे ही अगर आपका हार्ड डिस्क ख़राब हो जाए तो उस पर जो डेटा रहता है वो तो आपको कभी भी वापस नहीं मिलने वाला। हाँ वो अलग बात है कि पैसे दे के आप रिकवर कर सकते हो, लेकिन जो चीज़ रिकवर नहीं हो सकता उससे कैसे करोगे आप, है ना। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे पास जो लैपटॉप का हार्ड डिस्क है ये मतलब कि सही वोल्टेज ये इसको नहीं मिला है, इसी वजह से ये बगल के प्यारे होंगे, ठीक है। ये हार्ड डिस्क और यहाँ पे जो है डेस्कटॉप हार्ड डिस्क, तो ये जो हार्ड डिस्क है ये उसने खोल डाला था, जितने भी परसेंटेज था बचने की वो भी ख़त्म कर दिया उन्होंने, तो ये हार्ड डिस्क भी जा चुका है, ठीक है। तो आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके घर में कंप्यूटर या फिर पीसी है, हार्ड डिस्क को कभी भी मत खोलना, ठीक है। आप रिपेयर करवा सकते हो, ठीक है, जो लोग हार्डवेयर के काम करते हैं उससे आप रिपेयर कर सकते हो, या फिर शॉप होते हैं बहुत सारा लैपटॉप कंप्यूटर रिपेयरिंग का, आप वहाँ पे जाके आपका हार्ड डिस्क को ठीक कर सकते हो, ठीक है। और कभी भी खोलना मत ऐसे गलती से भी, यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो देख लिए तो खोलने की वजह से ठीक हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। वो माइनर प्रॉब्लम होता है, उन लोगों को पहले से पता होता है कि ये माइनर प्रॉब्लम है, मैं ये करूँगा तो ये ठीक हो जाएगा, इसलिए वो दिखा देते हैं। और आप सोचते हो कि हाँ अगर कुछ भी प्रॉब्लम इस तरह से होते हैं तो मैं बस खोल डालूँगा और लगा दूँगा वापस से ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है दोस्तों, इसमें आपका ही नुकसान होगा, ठीक है। तो हार्ड डिस्क को कभी भी खोलना, अगर आपको तो कुछ भी नहीं पता है ना, आप जिनको देखते हो उनको पता है, आपको नहीं पता है तो आप बाहर से करवाओ, है ना। इसमें आपका फ़ायदा ही होगा, आपका जो डेटा है वो बच सकता है, उसमें आपको मतलब कि आपके वापस मिल सकता है, ऐसे सिचुएशन पे आपको मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो में चाहता था कि वीडियो छोटे बनाने की, लेकिन वीडियो लंबा हो गया, तो इसमें आपका ही लुक फ़ायदा हो। अगर आपने वीडियो पूरा तक देख लिया हो तो आपको पता चल गया कि क्या क्या नहीं करना है, आपको हार्ड डिस्क वापस से खोलना नहीं है और खुद उसके ऊपर मतलब कि छेड़छाड़ नहीं करना है, आपको किसी टेक्नीशियन से ही वो ठीक करवाना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मेरे हाथ पे तो दो हार्ड डिस्क थे, मैंने दिखा दिया, जिन लोगों को नहीं पता हार्ड डिस्क लैपटॉप का हार्ड डिस्क ऐसे ही होते हैं, छोटा सा आप देख सकते हैं, ठीक है यहाँ पे। तो अगर आप चाहते हो कि लैपटॉप हार्ड डिस्क या फिर डेस्कटॉप हार्ड डिस्क दोनों के, लैपटॉप हार्ड डिस्क वर्सेज डेस्कटॉप हार्ड डिस्क के वीडियो बनाने की, तो मुझे कमेंट पर लिख सकते हो, मैं इन दोनों का सारा कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इन दोनों का नहीं, लैपटॉप हार्ड डिस्क वर्सेज डेस्कटॉप हार्ड डिस्क का पूरा वीडियो ला के दे दूँगा आपके सामने, पूरे डिटेल्स में बताऊँगा उसमें, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो खत्म हो जाता है यहाँ पे, अगर आप मेरे चैनल नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि इसी तरह के वीडियो में लेके आता रहता हूँ इस चैनल पे। टिल देन गुड बाय, मिलते हैं दूसरे कई वीडियो में, चाहे